अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्लिश उस्मान की एक और नई एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि फातिमा मलून खातून के कमरे के बाहर कान लगाए खड़ी होती है। अंदर मलून खातून अलोफेरा से कह रही होती है, तुम जैसी लड़की के लिए यहाँ रास्ते महफूज नहीं अलोफेरा। जवाबन अलोफेरा कहती है, फिक्र मत करे, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। तो मलून खातून कहती है, बिल्कुल हम सबने देखा। तो अलोफेरा उनकी बात काटते हुए कहती है, अगर मेरे खंजर के दहाड़ पर आपका बेटा और हान ना होता तो वो डाकुओं का टोला मुझ तक कभी ना पहुंच सकता। मलून खातून यह सुनकर मलून खातून कदर गुस्से से कहती है, और हान बे के बारे में बात करते वक्त अपने अल्फाज के इंतखाब एहतियात से करें, यह मत भूलो कि वो शहजादे हैं। अलोफेरा तो अलोफेरा कहती है, माफ कीजिएगा लेकिन इस महल में किसी को हुक्म देने का हक नहीं। इस पर मलून खातून कहती है, जब तक आप यहाँ मेहमान हैं आप मेरे उसूलों पर अमल करेंगी और आप सादत खातून से नहीं मिलेंगी, आप सरदी बाजार नहीं जाएंगी। तो अलोफेरा कहती है, लेकिन क्या आपने नहीं कहा कि मैं यहाँ मेहमान हूँ? मैं कैदी नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी के उसूलों पर अमल नहीं करूंगी। जबकि बाहर फातिमा को रुहान पकड़ता है तो फातिमा एकदम से खंजर निकाल लेती है और रुहान पूछता है, यहाँ क्या कर रही हो बहन? जवाबन फातिमा कहती है, भाई आपने तो मुझे ट्राई दिया। फिर उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, अंदर वालदा अलोफेरा का इम्तिहान ले रही है, वो वाजे तौर पर अलोफेरा को यहाँ से भेजने चाह रही है। भाई सुनकर रुहान पूछता है, क्यों, क्या रात के खाने में कुछ हुआ? जवाबन फातिमा कहती है, हाँ शायद, बस आपको अलोफेरा को भूल जाना चाहिए। यह सुनकर रुहान वापस कमरे की जानिब जाता है तो फातिमा वहाँ से भाग जाती है, मगर रुहान के कमरे में जाने से पहले ही अलोफेरा दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। रुहान को देखकर मलून खातून उसके पास आकर कहती है, रुहान तैयार हो जाओ, तुम उसे उसके घर वापस लेकर जाओगे। ये कहते साथ ही मलून खातून दरवाजा बंद कर देती है और रुहान अलोफेरा के पीछे चल पड़ता है। ये देखकर अलोफेरा रुकते हुए कहती है, रुहान तुम क्या चाहते हो? जवाबन रुहान कहता है, मेरी अम्मा ने आपको क्या कहा? इस पर अलोफेरा कहती है, वो मुझे उन उसूलों पर अमल करवाना चाहती है जो आप लोगों के यहाँ है, लेकिन उनसे कहो कि मैं किसी के उसूलों पर अमल नहीं करती। ये कहते साथ ही लोफेरा जाने लगती है तो रुहान कहता है, पुरसकून हो जाओ, मेरी अम्मा की नीयत खराब नहीं है। जवाबन लोफेरा कहती है, मैं जानती हूँ, वो और मैं दोनों चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, अब बताओ मैं कब जाऊंगी। जवाबन रुहान कहता है, लोफेरा तुम अपने कमरे में जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं बाबा से मिलने जा रहा हूँ, फिर हम बात करेंगे। ये कहते साथ ही रुहान आगे बढ़ जाता है। नाज़रीन इसके बाद हम सौगात में देखते हैं कि महमद के सिपाही एक शख्स को पकड़े हुए महमद के पास लाते हैं और उस शख्स को महमद के सामने घुटनों के बल बिठा देते हैं। महमद का सिपाही उससे कहता है, हमने इसे ये लिखने की कोशिश करते हुए पाया। ये कहते साथ ही वो खत महमद को दे देता है जिस खत में लिखा होता है, याकूब बे के बेटे महमद ने सौगात में इसराइल का दावा किया है, जल्द बुरान बे को मतला करो। ये पढ़ने के बाद महमद उस शख्स को दबोच लेता है और कहता है, क्या आप नहीं जानते थे कि आपको यानी शेर खबर भेजने की इजाजत नहीं थी? तो वो शख्स कहता है, मुझे मालूम था जनाब। फिर महमद पूछता है, तुमने ये किससे लिखवाया? जवाबन वो शख्स कहता है, मैंने खुद लिखा। यह सुनकर महमद उस शख्स पर टूट पड़ता है और उसे जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करता है। फिर सिपाही से कहता है, जाओ और इससे बात खुलवाओ, देखते हैं कि सौगात में उनके कितने जासूस हैं। हम आज रात अपने हथियार मियानों में नहीं रखेंगे, तमाम सिपाही तैयारी करें। इसलिए हमें कमरे का दरवाजा खुलता है और सरदार याकूब अपनी बेगम के साथ वहाँ दाखिल होता है। सरदार याकूब को देखते साथ ही महमद आगे बढ़कर उनके हाथ का भोसा लेता है और कहता है, मैंने सब कुछ तैयार किया ये सोच करके हम सब यहीं रहेंगे। जवाबन सादत खातून कहती है, तुमने अच्छा सोचा, तुम एक पहाड़ की तरह हो जिस पर हम इंसार कर सकते हैं। यह सुनकर महमद कहता है, अगर उस्मान ने कोई हरकत की तो ये पहाड़ उस पर गिर जाएगा। उसका क्या इरादा है हुजूर? क्या उसने सिर्फ आपको खाने पर नहीं बुलाया? हाँ। तो सरदार याकूब कहता है, उस्मान अपनी साख को ठीक करने की कोशिश कर रहा है जिसे मैंने तबाह किया, वो ऐसे नहीं छोड़ेगा, रेमोस उस्मान के पास है। यह सुनकर महमद बेचैन हो जाता है। इधर यानी शहर में वैसे उसका आदमी रेमोस को लेकर मुहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा होता है और एक रास्ता उसे दिखाते हुए कहता है, ये महल के सैन की तरफ जाता है, उस्मान वहाँ है। जबकि पीछे खिड़की से वैसे उसे सारा मंजर देख रहा होता है और कहता है, आओ रेमोस आओ। जबकि बाहर सैन में उस्मान साहब साथियों के साथ आग के पास खड़े होते हैं और कहते हैं, मेरे और याकूब बे के दरमियान जो हुआ वो जाहिर है, लेकिन अगर वो सच कह रहा है, अगर रेमोस कुफार के लिए काम कर रहा है और सुलेबियों के लिए, इससे पहले कि उस्मान साहब पूरी बात करते बुरान कहता है, ये मुमकिन है जनाब, हमने ऐसे मनसूबे पहले भी देखे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, इसलिए हम अपनी आंखें खुली रखेंगे, हम अपनी हर चाल में इस इम्कान के बारे में सोचेंगे, याकूब बे के बारे में अपनी चालें जारी रखेंगे, हम नहीं रुकेंगे। ये सुनकर रुहान पूछता है, हम क्या करेंगे हुजूर? जवाबन कोनूर कहता है, हम सबसे पहले उन्हें यानी शहर का मुहासला दोबारा नहीं करने देंगे, हमारे गश्त वाले सिपाही भी अजनबी सिपाहियों की तलाश में है। फिर बेंदर कहता है, जनाब मुझे यकीन है कि हमें जो करने की जरूरत है वो वाजे है, अब ये मसला साख का मसला है। जनाब इन जमीनों में लोग आपको क्यों जानते हैं? क्या आप गाजियों के सरदार नहीं है? जंग पर जाते हैं जनाब, फतह की तरफ जाते हैं। यह सुनकर रुहान कहता है, जब हम फैसले की तरफ जा रहे थे आपने कहा था कि हमें दरमियान की हिमायत करनी चाहिए, अब जंग की मोहब्बत कैसे पैदा हो गई बेंदर पे? तो बेंदर कहता है, हमारे सरदार ने राय मांगी और मैंने अपनी राय दी, बरसों पहले मैंने यह रास्ता चुना था, मेरा रास्ता मेरे सरदार के पीछे जंग का रास्ता है। इस पर सब बेंदर का शुक्रिया अदा करते हैं और बुरान कहता है, वो अपने मंसूबे बनाते हैं, हम अपने रास्ते पर कायम रहेंगे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन याकूब भी जानते थे कि उनके साथ क्या होगा, उन्होंने शहर का मुहासला किया और फिर वो आए, रेमोस हमारे पास है, वो ये जान चुके थे। दूसरी जानिब सादत खातून कह रही होती है, अगर रेमोस उसके पास ना होता तो वो दस्तरखान पर तलवार के साथ नहीं आता। यह सुनकर महमद चिल्लाते हुए कहता है, इसका क्या मतलब है कि वो तलवार लेकर आया? याकूब साहब उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो महमद कहता है, यह रुकने का वक्त नहीं है, आपने कहा कि रेमोस उसके पास है, अगर उसने मुंह खोल दिया तो मैं यानी शहर को जलाने जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही महमद जाने लगता है तो याकूब साहब पीछे से उसे बुलाते हुए कहते हैं, महमद। महमद शदीद गुस्से में पलटता है तो याकूब साहब चिल्लाते हुए कहते हैं, मेरी बात सुनो, उसने रेमोस का मुंह खुलवा लिया इसीलिए वो मेरी तरफ इस अंदाज से आया, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी बेटा, अगर हमने उस्मान को मार डाला तो गाजियान हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, हमारी सल्तनत को ताकत नहीं मिलेगी, हम पहले उसकी साख को तबाह करेंगे ताकि उसके लोग आए और हमारे साथ खड़े हो जाए। उस्मान अपनी साख बचाने के लिए फतवाहत शुरू करेगा। सादत खातून पूछती है, कहाँ से? इधर यानी शहर में उस्मान साहब कह रहे होते हैं, याकूब बे ने हमें चारों तरफ से घेर लिया,
किया। वो हमारी साख तबाह करना चाहता है लेकिन हम उसके तमाम चालों को नाकाम बना देंगे फतवाहात के साथ। और हान पूछता है, हम कहां से फतह करेंगे जनाब, क्या आप कैस्टल की बात कर रहे हैं? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, नहीं कैस्टल नहीं। नाजरीन एक तरफ से रेमोस भी उस्मान साहब को देख रहा होता है जबकि दूसरी तरफ से वैसली उस मुसलसल रेमोस के ताकुब में होता है। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, जहां से फितना शुरू हुआ, जहां उन्होंने हमारी साख को नुकसान पहुंचाया, हम लेफ्ट के जाएंगे। जिन्होंने ये सब शुरू किया हम उनसे हिसाब लेंगे। अब ये सल्तनत की दौड़ है, पीछे नहीं हटना। इसके साथ ही रेमोस तीर निकाल लेता है जबकि उसे देखते हुए वैसली भी खंजर हाथ में ले लेता है। उधर मेहमत कहता है, उस्मान सुल्तान की मौत से पहले कैस्टल को फतह करने की कोशिश कर रहा था। जवाबन सरदार याकूब कहता है, उस्मान कैस्टल नहीं जाएगा वो जगह जहां उसकी साख को नुकसान पहुंचा, किला लेफ्ट के किला। ये सुनकर मेहमत पूछता है, जनाब क्या मुझे जाने देंगे? तो सरदार याकूब कहता है, हरगिज नहीं। फिर एलची से कहता है, एलची कबाइल में सदरान को पैगाम भेजो, अब से हर कोई उस्मान पर इल्जाम लगाएगा, अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो मेरे दुश्मन होंगे, जाओ और उन्हें आगाह करो। उस्मान मेरी बात ना मानने की जिद कर रहा है, अगर उसने मेरी बात ना मानी तो मैं उसके महल को जला दूंगा। इधर यानी शहर में उस्मान साहब कहते हैं, कल एक मुश्किल दिन होगा, चलो। ये कहकर वो जैसे ही अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हैं, रेमोस उस्मान साहब की जानिब तीर छोड़ देता है। इस मौके को देखकर वैसली उस आवाज़ें बुलंद उस्मान साहब को पुकारता है, उस्मान भी, और तीर उस्मान साहब के सामने से होता हुआ एक सतून में जा लगता है। अगले लम्हे वैसली उसका फेंका हुआ खंजर रेमोस के गले में जा लगता है। इस हलचल में उस्मान साहब के साथी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। उस्मान साहब तेजी से रेमोस के पास जाते हैं तो वैसली कहता है, ये फरार हो गया था, जब मैंने तीर देखा तो मैंने इसका ताकुब किया। इस सारी सूरत हाल को देखकर उस्मान साहब गुस्से में बुरहान की जानिब देखते हुए कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, आपके अलावा किसी ने नहीं देखा? बुरहान क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? जवाब दो बुरहान, जवाब दो, उन्होंने मुझे मेरे ही घर में मारने की कोशिश की। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बुरहान को मारने के लिए हाथ फिजा में बुलंद करते हैं मगर फिर अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहते हैं, हम साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसे होगा? जवाबन बुरहान शर्मिंदा होते हुए कहता है, ऐसा दोबारा नहीं होगा। यह सुनकर उस्मान साहब उसे अपनी जानिब खींचते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं होगा, मेरी तरफ देखो, मालूम करो कि ये किसने किया, अगर यहाँ कोई जासूस है तो उसे ढूंढ निकालोगे, अब जाओ निकल जाओ। ये सुनते साथी बुरहान सिपाही को धकेलता हुआ शदीद गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उस्मान साहब वैसले उसकी जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, इसे इनाम दो। ये कहते साथी उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं और कोनूर वैसले उसके पास आकर कहता है, तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें अजर मिलेगा, रकम या मुकाम। ये कहते साथी कोनूर भी चला जाता है और वैसले उस मुस्कुराने लग जाता है। नाजरीन इस सीन में वैसले उसको दो कामयाबियां मिली, एक रेमोस का काम तमाम और दूसरा उस्मान साहब का एतमाद हासिल करना। उधर उरहान लोफेरा के कमरे के बाहर जाकर दस्तक देते हुए कहता है, लोफेरा क्या तुम सो रही हो? अंदर लोफेरा दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ी होती है और बाहर मौजूद उरहान काफी देर के बाद कहता है, ठीक है फिर मैं जाता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम सुन रही हो, मेरे पास एक अहम खबर है, ठीक है ना खोलो मैं जा रहा हूँ। ये कहते साथ उरहान जैसे ही जाने के लिए पलटता है तो लोफेरा एकदम से दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और कहती है, क्या खबर है, आप क्या कहना चाहते हैं? जवाबन उरहान उसके पास जाकर कहता है, मेरी अम्मा, क्या उनकी वजह से उदास हो? ये सुनकर लोफेरा पूछती है, क्या ये अहम बात थी? ये कहते साथ लोफेरा जाने लगती है तो उरहान उसके सामने आकर कहता है, क्या इसे ज्यादा अहम चीज कोई है? जवाबन लोफेरा कहती है, तुम झूठे हो। ये कहते साथ ही वो फिर से जाने लगती है तो उरहान एक बार फिर उसके सामने आते हुए कहता है, लोफेरा रुको रुको, मुझे बताओ क्या तुम उदास नहीं थी? मेरी अम्मा सख्त बात कर सकती है लेकिन असल में, इससे पहले कि उरहान बात मुकम्मल करता लोफेरा कहती है, मुझे कोई भी उदास नहीं कर सकता शहजादे, तुम्हारी वालदा मुझे नहीं जानती, दरअसल आप भी मुझे अच्छे से नहीं जानते, सारा मसला ये है। ये कहते साथ ही वो कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा बंद करने लगती है तो उरहान कमरे का दरवाजा पकड़ लेता है। इस पर लोफेरा कहती है, मैं वो कबूतर नहीं जिसे पिंजरे में रखा जाए और मैं ऐसा गुलाम भी नहीं जो हर हुक्म को सुनेगा, हरगिज नहीं, मैं लोफेरा हूँ, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगी, अपनी तैयारियां करो शहजादे उरहान। ये कहते साथी वो गुस्से में कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और दोनों कमरे के दरवाजे के साथ सहारा लेकर खड़े हो जाते हैं। उरहान कहता है, तुम वैसे भी कबूतर नहीं बन सकती, तुम्हारे पंजे हैं तकफोर की बेटी।